नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। दखल न्यूज ने अलग अलग विधाओं के महारथियों को दखल प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया। भोपाल में आयोजित इस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर और मुख्य अतिथि के रूप में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा मौजूद रहे। इस समारोह में समाज के कुछ अलग अलग करने वाली विभूतियों को दखल प्राइड अवार्ड से नवाजा गया। भोपाल के राज्य संग्रहालय सभागार में समाज को नई दिशा देने वाले महारथियों को दखल प्राइड अवार्ड से नवाजा गया। ये वो लोग हैं जो चले तो अकेले थे, लेकिन अपने हुनर से कारवां बनाते गए। हर विधा, हर क्षेत्र के लोगों ने दखल के मंच को साझा किया। समारोह में जहां गंभीर बातें हुई, वहीं जमकर ठहाके भी लगे। शेर व शायरी हुई तो गीत भी गुनगुनाए गए। समारोह में विशेष अतिथि के रूप में प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर और मुख्य अतिथि के रूप में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा मौजूद रहे। समारोह में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को शामिल होना था, लेकिन वे अपनी माताजी सरगुजा की राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव के निधन के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। लोगों से खचाखच भरे सभागार में सबसे पहले राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और मौन रखा गया। उसके बाद समारोह में अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और दीप प्रज्वलित कर समारोह को विधिवत आरंभ किया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर का दखल परिवार के अमिताभ उपाध्याय, दिनेश गर्ग और शेफाली गुप्ता ने पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। उसके बाद अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए समारोह में निर्धन दिव्यांग बुजुर्ग को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा फाउंडेशन की ओर से ट्राइसिकल प्रदान की गई। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा फाउंडेशन लगातार दखल न्यूज के साथ इस तरह के सेवा कार्य करता रहता है। समारोह के इस द्वितीय चरण में दखल न्यूज के एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय ने मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर से बेबाक बात की और उनके नजरिए को समझा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं बेबाक बात। मेरे साथ मध्य प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर जी हैं। सर, आप दोस्ती बरकरार रखिए, विज्ञापन नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन सरकार अच्छा काम करे पूरे मीडिया की। मुझे नहीं लगता कि मीडिया कभी कोई विरोध करता है। आप जिसको व्यवस्था कहते हैं, उस व्यवस्था में जो अव्यवस्था बन जाती है उसके खिलाफ हम लोग खबरें करते हैं, उसको सामने लाने की कोशिश करते हैं कि आप उसे दुरुस्त कर लें, ठीक कर लें। और जो मध्य प्रदेश में रहते हैं वो सब चाहते हैं कि मध्य प्रदेश अच्छा बने, बेहतर हो, पहले से अच्छे परिणाम सामने आए, लोगों के पास रोज़गार हो, सारी चीज़ें हों, देश में भी हों, मध्य प्रदेश में भी हों। तो इसलिए हम कभी कभी खबरें कर देते हैं। हमारा जो मिजाज है वो ब्लेड जैसा होता है कि जब आप सीधा चलाते हैं तो बाल कटता है, थोड़ा टेढ़ा वाड़ा करते हैं तो फिर गाल भी कट जाता है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो देखिए, अखबार कोई भी हो, चैनल कोई भी हो, सच्चाई सामने आती है तो इसको कभी किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। जैसा आपने कहा वही बात मैं कह रहा हूँ कि हर किसी का सपना जो इस मतलब प्रदेश की मातृभूमि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, हर कोई चाहता है कि हमारा मध्य प्रदेश ऐसा बने जो कल लोग ये कहें कि मध्य प्रदेश का मॉडल दूसरे राज्य जो है उसको ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।